तुम लोग यहाँ भी आ गए? भैया ने हमें भेजा था। किस लिए? रखवाली के लिए। हम लोग दूध पीती बच्ची हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ लगते हैं, जो चबाते नहीं सीधे निगल जाते हैं। कहाँ कहाँ मगरमच्छ है? जिधर नजर घुमाओ उधर ही। मुझको तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत भाभी, तुमको तो पता है ना, मगरमच्छ तो पानी में रहता है, यहाँ कैसे आएगा? तुम ठीक कह रही हो, हाँ यहाँ क्यों रहेगा? अभी कल ही तो कुछ को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। हाँ मैंने भी देखा है, यात्रियों से मिलने के लिए हवाई जहाज रोक रहे थे। तुमसे बड़ा मूर्ख हमने दुनिया में नहीं देखा। क्यों बहना? कहीं हवाई जहाज को मगरमच्छ रोक पाएगा? जब ट्रेन को मच्छर रुकवा सकता है तो मगरमच्छ हवाई जहाज को क्यों नहीं रोक सकता? तुमने देखा है? हाँ, मच्छर ड्राइवर की आँख में घुस गया, उसको निकालने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हम लोग अच्छा एंजॉय कर रहे थे, तुम लोग आके व्यवधान पैदा कर दिए। ये धान का सीजन नहीं है भाभी, ये गेहूं का है, गेहूं का। ए रेनु, चलो यहाँ से, हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं ये लोग मधुमक्खी बन के मंडराने लगते हैं। अब जहाँ खिला फूल देखेंगे वहीं न रस लेने के लिए जाएंगे। अब तुम लोग बैठ के यहाँ रस पियो, हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं भाभी, गुड नून। ठीक है चलो रेनु। हाँ चलो भाभी। अरे रेनू बिटिया, खेत घूमने गई थी क्या? हाँ काका, अभी भूतों से पीछा छुड़वा के आ रहे, दो भूत फिर मिले। तुमने हमें भूत कहा? नहीं नहीं, उनको कह रही थी। बहू तुम शहर की हो, ये बताओ गांव कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा था काका, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ पहले कुछ नहीं था, चारों तरफ बियाबान था। जब हमने सुना कि तुम आ रही हो तो हमने हरियाली का प्रबंध किया। हाँ बहू, जहाँ तक देखो नजर जाएगी अपना ही है। तब तो तुम बहुत धनी आदमी हो। धनी की बात मत करो बहू, हमसे बड़ा धनी इस इलाके में कोई नहीं है। सुबह शाम लोग हमारे हाथ पांव जोड़ने आते हैं। क्यों? रात को जब हम सोते हैं सारे पुर्जा अलग हो जाते हैं, हाथ कहीं सर कहीं पैर कहीं। इसका मतलब? अब सोने में पता लगता है का कि कहाँ सर है, कहाँ हाथ है, कहाँ पांव है। काका फेंकते बहुत हो, लगता है घर में चींटी चराने का आटा भी नहीं। क्या बात करती हो बहू, रोज हमारे घर से 10 हाथियों का राशन जाता है। शकल देख के तो लगता है बकरी घास तक नहीं पाती होगी। देखो हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते। इसका मतलब है सिर्फ मुँह धो लेते हो, आँख नहीं? अगर शेर सब कुछ धोने लगे तो शिकार ही छूट जाएगा। तो तुम अपना शिकार यहीं तलाश करते रहो, हम चले। चलो भाभी।